अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल मटर पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। आप इसको लहसुन की चटनी से खाइए, दही की चटनी से खाइए या फिर शलजम के अचार से खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 350 ग्राम हमने राइस लिए हैं जो 2 घंटे मैंने भिगो लिए थे। इसके हिसाब से लोगे तो 1½ बैठेंगे राइस। 250 ग्राम हमने मटर के दाने लिए हैं। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टीस्पून हमने जीरा लिया है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 100 ग्राम हमने ऑयल लिया है। अब ये सारी चीज़ें इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी। इसको अभी हमें थोड़ी देर भूनना है। 2 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए। अब इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी। आधा कप पानी डाल के इसमें मैं मटर को ढक के रख दूंगी। 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे मटर को गलने के लिए। मटर को 5 मिनट हो चुके हैं, मटर मेरी गल चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। 250 ml मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब हमारे चावलों को 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में एक बार चमचा चला दिया था। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। मटर पुलाव बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारे मटर पुलाव कितने मज़े के और लजीज बने हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बोलिए, बताइएगा कि कैसे लगी आपको हमारी रेसिपी।